हेलो फ्रेंड्स, आपका एम के एजुकेशन में स्वागत है। और आज मैं आपके आरपीएफ एसआई के जो एडमिट कार्ड रिलीज हो रहे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। या दोस्तों, पहले आपका आरपीएफ की बजाय एसआई का जो एग्जाम रिलीज किया जाएगा या फिर हेल्ड किया जाएगा, इसमें आरपीएफ का बाद में लिया जाएगा। पहले आपका एसआई का जो एग्जाम शेड्यूल है वो ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको बता दिया गया है। इसमें आपकी जो एसआई की जो एग्जाम डेट है वो आपकी 19 दिसंबर से चलेगी, ठीक है। तो मैं प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, और साथ साथ में किस ग्रुप की किस डेट को एग्जाम है ये भी बताऊंगा। तो शुरू से लेके एंड तक वीडियो को देखिए और बने रहिए अपने साथ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और नए विजिटर्स हो और आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आरपीएफ से संबंधित या रेलवे से संबंधित या गवर्नमेंट से संबंधित अपडेट आपको पल पल देती रहे। बस आपको करना है क्या, एक छोटा सा काम करना है, एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है वो आपको प्रेस करना है। उसके बाद आप बेल का आइकन आपको प्रेस करना है, उसके जिससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन विदाउट किसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, मैं आप सीधे ही आपकी रेलवे प्रोडक्शन फोर्स एंड रेलवे प्रोडक्शन स्पेशल फोर्स की साइट पे हूँ। आपको करना है क्या, आपको गूगल में जाके टाइप करना है आपका आरपीएफ एसआई, तो खुलेगा। अगर आप आरपीएफ टाइप करोगे तो आपको ये केवल आरपीएफ की शेड्यूल दिखाएगा, ना कि एसआई का। आपको आरपीएफ एसआई की टाइप करना है, उसके बाद आपको ये लिंक दिखाई देगा पहला, उस पर क्लिक करना है आरपीएफ एसआई पे। और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका इस नया शेड्यूल आया है सीबीटी एग्जामिनेशन शेड्यूल। जैसे इसको तुम प्रेस करते हो तो यहाँ पे एक पीस खुल कर आएगा, वो आपको दिखाई देगा इस टैब से, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एंड स्पेशल, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स स्पेशल। इसमें आपको दी हुई है आपकी वही का इन्फॉर्मेशन है, सीबीटी एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर सब इंस्पेक्टर रिक्रूटमेंट, यानी कि पहले आपकी एसआई की एग्जाम होगी उसके बाद आपकी आरपीएफ की। तो उसमें दिया हुआ है कि फेस फर्स्ट में, यानी कि फेस फर्स्ट में आपकी जो सब इंस्पेक्टर है उसकी जो आपकी अप्लाई किया उन्होंने 43108 ग्रुप, इसके अंदर पट्टा हुआ ई प्लस एफ का। इसके एग्जाम स्टार्ट होगी आपके 19 दिसंबर, यानी कि वेडनेसडे के दिन 19 दिसंबर के स्टार्ट होगी, और ये आपकी 19 दिसंबर बुधवार तक ही चलेगी, यानी कि एक दिन ही ये एग्जाम चलेगी। नेक्स्ट है अपनी फेज थर्ड, यानी कि इसमें आपके 4,55,964 पद, इसमें क्या है, कैंडिडेट ने अप्लाई किया है, और उसमें ग्रुप आपका ए प्लस बी है। इसमें जो एग्जाम होगी वो सैटरडे 5, यानी कि 5 जनवरी से स्टार्ट होगी और 6 जनवरी तक चलेगी, यानी कि 2 दिन ये एग्जाम चलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका फेज थर्ड, फेज थर्ड के अंदर भी आपका कितना है, 9,26,683, यानी कि सी प्लस डी ये ग्रुप वालों की एग्जाम होगी, वो आपकी वेडनेसडे 9 जनवरी से चलेगी आपकी 19 जनवरी तक, यानी कि सबसे ज़्यादा आपकी एग्जाम होगी आपकी सी और डी वाले फेज की, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फॉर्म अप्लाई किए हैं, और वो भी आपके 9 से 19 जनवरी तक चलेगी, ठीक है। साथ में आपका ये आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपका एग्जाम से 10 दिन पहले रिलीज हो जाएगा, उसे आप अपनी संबंधित एसआई की या आरपीएफ की साइट पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, यानी कि जैसे आपका एग्जाम होने वाला है तो उससे 10 दिन पहले आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। बस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, जो आपको पहुंचानी थी मुझे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, साथ में अपने फ्रेंड्सों को भी बताना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई न्यूज के, तब तक के लिए बाय।